हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर फाइट की एक और वीडियो में। और आज हम बिल्ड करेंगे इकॉन को, या आइकन, या जो भी है सामने वाला करेक्टर। ये एक न्यू करेक्टर है, इसी अपडेट में आया है और हम इसे ही अपग्रेड करने वाले हैं। तो एंटर करते हैं, सॉरी गड़बड़ों की टीम में एंटर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके 840 हमने बायोस सब जमा कर लिए एंड आई एम प्रीटी श्योर ये एनफ होंगे, क्योंकि पहले 630 बायोस लगते थे, आजकल 300 के आसपास ही बायोस लगते हैं 6 स्टार करने में, और उसके हाफ बायोस लगते हैं उसके गियर्स अपग्रेड करने में। तो लेट्स सी कितने लगते हैं 840 के। तो लगे पहले 5, ये तो लैग कर गया एकदम से। काफ़ी स्मूथ स्टार्ट करते हैं। अगला रैंक अप डायग मैक्स करेंगे और टोटल 310 बायोस लग रहे हैं, ठीक है। तो बस 1 स्टार करने के 5 और टोटल 310, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि 315 बायोस में हो जाता है, जो कि 630 में होता था पहले, जस्ट हाफ है, विच इज़ गुड। 6 स्टार ये हो गया। टिकट तो नहीं, मास्टर टिकट हम जरूर देना चाहेंगे इसको। आई हाई टाइप 6 स्टार की ये दे देंगे, ये वेस्ट करते हैं, इनको वेस्ट करना जरूरी है क्योंकि ये हो सकती हैं बहुत सारी हो, तो फटाफट से मैं इनको वेस्ट करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये तो 6 स्टार मेरा रैंक अप है, मैं इन्वेंट्री में देख आता हूँ ना मेरे पास कौन कौन सी है। ओके, मेरे पास और कोई मास्टर टिकट नहीं है, बस 2-3 ही थी। ठीक है, तो फिर इसको भी दे दें, काम की क्या है भाई, और कोई फ़र्क ना पड़ता। और अब बाकी सब नॉन स्टोन ऑफ केओस, नॉन स्टोन ऑफ स्पीड वाले नॉन स्टोन से हम कर देंगे। तो हमने मास्टरी भी कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब बाजी आती है गियर्स की, लेट्स गो फॉर गियर्स। उसके इसका लेवल बढ़ाना जरूरी है, पहले लेवल बढ़ाएंगे। 631 में टोटल करेंगे 60 लेवल की एंड बूम, काम कंप्लीट, ठीक है। हाँ, जो भी है गियर्स की बाजी। सबसे पहले हम नॉर्मल अनाउंस करेंगे मैक्स अपग्रेड, और ये लेवल 15 तक पहुंच जाएगा कुछ गियर अप किट्स और कुछ डैमेज एंड डिब्रीज के साथ, ठीक है। मैक्स अपग्रेड हम फटाफट से कर देंगे, ये फिनिश होता है, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट करेंगे नॉर्मल अनाउंस। तो 525 बायोस है, तो अगर आप ध्यान से देखा जाए तो हाँ 315 ही यूज़ हुए हैं ना, क्योंकि 525 में 15 जोड़ोगे तो 540 हो जाएंगे, और 540 में 300 जोड़ोगे तो 840 हो जाएंगे। तो 315 यूज हुआ, विच इज़ करेक्ट। नाउ अब 525 बायोस है, और अगर 160 बायोस लगने चाहिए, क्योंकि जब 630 थे तब 310 और 315 बायोस के आसपास लगते थे। तो अगर अभी 315 है और 310 भी हम मानते हैं, 320 भी हम मानते हैं, तो 160-155 के आसपास आपको बायोस लगने चाहिए। अगर उतने बायोस लगते हैं तो हमारे पास खूब सारे बायोस बच जाएंगे। लेट्स सी क्या उतने बायोस लगते हैं, कम लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। लेट्स सी 525 बायोस है एंड गो फॉर रिले अनाउंस। 420 2 2, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँ 150 525 से, तो 100 माइनस करने पाएंगे 425, उसमें से 50 माइनस करने पाएंगे 375, तो अराउंड 375 बायोस आपके पास बचनी चाहिए अगर इसे 150 के अंदर कंप्लीट करना है तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी चल रही है। ओ, किस्मत ज़्यादा अच्छी की बात करी हो बेहतरी। तो 150 के आसपास बायोस लगने चाहिए, उम्मीद है नहीं लगे। लेट्स सी कितने लगते हैं बाकी। एंड ओके, गुड वन, ओके, अ लिटिल बैड वन, बट ओके, तभी सही चल रहा है। 436 बायोस अभी तक पूरे 100 भी यूज़ नहीं हुए, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। 150 बायोस अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो पर बायोस आपको लगभग 40 लगने चाहिए थे, और उससे बहुत ही कम लग रहे हैं शायद, ऐसा मुझे लगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसके साथ शायद कंप्यूटर थे चारों के चारों, और जहाँ हम सोच रहे थे कि 375 होने चाहिए, वहाँ पे कितने बायोस यूज़ हुए, 384, तो सिर्फ 9 ही कम हुए हैं, यानी कि बायोस यूज़ हुए हैं 141। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छे हैं, 160 के बीच में यूज़ होने थे, 141 नहीं होता। हम लकी भी रहे हैं और बायोस भी कम यूज़ हुए हैं, विच इज़ ग्रेट। अब आती है एडवांसमेंट की बाजी, तो हम सिंपल बायोस से एडवांसमेंट कर सकते हैं आराम से, नॉन स्टॉप की इन सब से। पर एक बार बताओ फिर हम टिकट का क्या करेंगे, ये देख रही है 57 टिकट्स है, क्या करूँ उसका मैं, यूज़ करूँ टिकट्स को, मेटेरियल सब यूज़ हो जाएंगे, टिकट्स तो कुछ को यूज़ नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है। हाँ यार सही में, शेयर वेयर तो क्या ही करेंगे, चल उसमें कुछ भी नहीं, अपन को कुछ कस्टमर्स वो सब होंगे, नॉट अ बिग डील। अब इसका पोटेंशियल सर्च कर लें, जिसके लिए ऑफकोर्स सी बात है कि हमें वो खेलना पड़ेगा वर्ल्ड बॉस, जो हम नहीं खेल सकते, ठीक है। और इवन ट्रांसेंड करेंगे जो भी आइसोएट भी हमें देना है, पर ऑफकोर्स सी बात से बोनस नहीं है तो नहीं देंगे। आर्टिफैक्ट तो कुछ भी देते हैं,
ये वाला आर्टिफैक्ट दे दे, काम करना काम का, कुछ लीडरशिप के समथिंग का है, काम बन जाए तो बढ़िया है। कस्टम गियर भी कुछ नहीं दे रखा है, यूनिफॉर्म भी कुछ नहीं दे रखी है। तो अभी के लिए तो हम यही टाटा बाय बाय करते हैं, जब हम इसका सर्च पोजीशन ये कर लेंगे उसके बाद फिर से इसको हम अपग्रेड करेंगे अगले लेवल की ओर, ठीक है, और टीयर टू तक हम इसे ले जाएंगे। तो अभी के लिए मैं टाटा बाय बाय करता हूँ, ये आधी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हेलो गाइस, और मैं वापस आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अपन इसको ये आइकन नाम की जो कैरेक्टर है इसको अपग्रेड कर रहे थे, तो हमने इसको वहाँ तक कर लिया था टीयर टू तक, इसका पोटेंशियल अपग्रेड करना था, तो पोटेंशियल अपग्रेड हमने इसका अब कर दिया है। तो हम टीम में जाएंगे और इसका पोटेंशियल अपग्रेडेशन आपको दिखा देंगे। कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, दिख रही है किसी को? ये तो लेवल 70s है, यहाँ तो नहीं होगी, लेवल 60s में होगी, ये रही, ठीक है। स्पीड कैरेक्टर हमने इसका पोटेंशियल कर लिया है, शायद 4 या 5 दिन हो गए, वैसे इसका पोटेंशियल शायद दूसरे या तीसरे दिन ही हो गया था, पर मैंने एक दिन का ब्रेक लिया है। सो पोटेंशियल का अनलॉक करते हैं और करते हैं इसको ट्रांसेंडेंस या जो भी होती है TL3, आई डोंट नो क्या होती है ये। तो पोटेंशियल का रियलाइज होगा जिसका नाम है अल्फा क्लास, ओके नाइस नेम। वैसे ये किसकी तरह लगती है, रोबोट ज़्यादा लगती है, रोबोटिक, ठीक है। एनहांस पोटेंशियल करेंगे, सही बताओ तो 100% करते हैं यार, बहुत पागल हो गए फालतू की चीज़ों से, ठीक है। तो ये 50 CCF लगेंगे, 276 बैम एंड 231 नॉन स्टोन ऑफ केओस। तो अभी हमारे पास बैम ठीक ठाक है, तो बैम ही लगते हैं, या सॉरी बैम क्या, CCF बहुत ज़्यादा है, तो CCF यूज़ करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बैम की तरह इसका हो जाए, बैम मेरे को कम पड़ते हैं। तो चलो जो भी हो देखेंगे, बाद में देखेंगे। हो गया, लेवल अप करेंगे, लेवल अप, लेवल अप के लिए हम कौन से उसके ले रहे थे, होकाई के ले रहे थे शायद, है ना, और होकाई के ख़त्म भी हो गए, चलो ग्वेन के पड़े हुए पता नहीं कहाँ से मिल गए मुझे। तो ये यूज़ कर लेते हैं, 361 बायोस, एनहांस पोटेंशियल अगेन 100% पे, ये 100 CCF, 553 बैम एंड 461 नॉन स्टोन ऑफ केओस, तो 100 बैम फिर से, सॉरी नॉन स्टोन ऑफ केओस फिर से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी कम्प्लीट हुआ, लेवल अप करेंगे, अब मैं बता देता हूँ कितना लगेंगे, 424। अब 424 तो बच्चे नहीं होंगे किसी के भी, लो उसके खुद के ही बच्चे हुए हैं, 384 यहाँ हो गए, और इसके बायोस की और जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, पता लगे बाद में बायोस की जरूरत पड़ेगी, तब मेरे पास बायोस नहीं है, ये तो गजब ही हो जाएगा अगर ऐसा। और ये रहे 151 से 40 यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर से अनाउंस पोटेंशियल करेंगे 100% में, ये 151, ये 827 और ये 690। तो अब 827 हम बैम से करेंगे, क्योंकि हमारे पास बैम भी 200,000 पड़े हुए हैं जिनकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। और इसके अंदर अब जो यूज़ होंगे वो 477 चाहिए हमें, तो 477 के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये 111, ठीक है। फिर और अगर हमारे पास है तो 37 ये हैं, ठीक है, 23 ये हो गए, 17 ये छोटे छोटे सारे निपटा दो, क्योंकि इन्वेंट्री में एक जगह घेरते हैं, हम जितने निपटाएंगे उतने ही हमारी इन्वेंट्री खाली होगी, जो कि हमें करनी भी है। चलो बहुत हद तक हो गए, अब हमें कोई नया करेक्टर ढूंढना होगा, तो हम किसके लिए, स्पाइडी के नहीं लेते हैं, मडॉक या ऑक्टोपस या रेड स्कल्स में से देख लेते हैं किसके सबसे कम मिलते हैं, शायद ऑक्टोपस के भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, इसके रेड स्कल के सबसे कम मिलते हैं, रेड स्कल के ले लेते हैं आज का, हम रेड स्कल्स के उसको ख़त्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये है फोर्थ पोटेंशियल, जिसमें 301 CCF, 1667 बैम और 1389 ऑनस्टोन ऑफ केयर्स, और 1389 ऑनस्टोन ऑफ केयर्स हम पूरा पूरा यूज़ कर लेंगे। लेवल अप करेंगे रेड स्कल्स से, टोटल के टोटल 537 बायोस, फिर से एनहांस पोटेंशियल, ये 400, ये 22223 और ये 1852, 22223 से करेंगे बैम से, और लेवल अप करेंगे रेड स्कल्स के साथ, और टोटल बायोस हमारे जो लगेंगे वो होंगे 604 बायोस, और इसके साथ ये लेवल 70 होती है, विच इज़ गुड, विच इज़ रियली गुड। अब अवेकन पोटेंशियल करने की बाजी है, तो अवेकन पोटेंशियल कर देंगे इसका, क्योंकि एक नॉर्मल टीयर वन कैरेक्टर है, तो 240 CCF, 350 अवेकन क्रिस्टल्स और 1000 मेलन जैम फ्रेगमेंट के साथ ये हो जाएगी अवेकन। तो ये अवेकन हो गई, देखा जाए तो जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रही थी, ठीक सी लगी मुझे इसकी जो एनिमेशन था, मतलब बुरा भी नहीं था, अच्छा भी नहीं था, ठीक सा था। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गियर्स की बाजी आती है, ठीक है। तो नॉर्मल एनहांस आप वैल्यूज देख लो कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिलायंस के ओर। 9 काइंड ऑफ बैड फॉर फर्स्ट गियर, 13 इज काइंड ऑफ बैड फॉर सेकंड गियर, 1 इज वेरी गुड फॉर थर्ड गियर, 23 इज वेरी बैड फॉर फोर्थ गियर, 1 इज वेरी 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 गुड, मतलब अटमोस्ट लकी फॉर फिफ्थ गियर, मतलब एक बार में पर लकी हो गए। 7 इज काइंड ऑफ बैड, 6 इज एवरेज फॉर सेकंड गियर, 10 इज काइंड ऑफ एवरेज फॉर थर्ड गियर, 1 इज वेरी वेरी गुड फॉर फोर्थ गियर, और 10 इज वेरी गुड फॉर फिफ्थ गियर, और ऐसे लकी हो रहे हैं हम, ऐसे लकी हो रहे हैं, मतलब क्या ही लकी हो रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही लकी हो रहे हैं हम। 8 इज काइंड ऑफ बैड, 7 इज काइंड ऑफ एवरेज, 19 इज बैड फॉर थर्ड गियर, 9 इज वेरी गुड फॉर फोर्थ गियर, 23 इज काइंड ऑफ बैड फॉर फिफ्थ गियर, पर स्टिल हम बहुत लकी हो चुके हैं पहले ही, तो अब लकी ना भी होंगे तो भी चलेगा। 7 इज काइंड ऑफ बैड, 4 इज गुड फॉर सेकंड गियर, 15 इज बैड फॉर थर्ड गियर, 3 इज वेरी वेरी गुड फॉर फोर्थ गियर,
एंड 25 इज काइंड ऑफ बैड फॉर गियर। हम बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लकीस्ट तो नहीं रहे पर बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं। आप मटेरियल में जाके देख सकते हैं कि हमारे इतने ही बैम लगे हैं जो कि काफ़ी कम होंगे, और ईओडी टीसीपी इतने लगे हैं जो भी काफ़ी कम ही होंगे। मुझे आइडिया नहीं है, मैं यहाँ टाइप करके लिख दूंगा तो कम ही होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होता है कैरेक्टर गियर्स और उसके उसके कितने मटेरियल्स लगे। वो स्किल्स में जाएंगे, अवेकन स्किल्स को फुल लॉन अपग्रेड करेंगे जिसमें 720 बैम, 180 नॉन स्टोन ऑफ केयर्स और 350 अवेकन क्रिस्टल्स लगेंगे। ये कंप्लीट होता है, स्किल्स को अपग्रेड करना जरूरी है, अच्छा रहता है। तो ये लेवल 3 की हो गई, ये भी लेवल 3 की हो गई, ये लेवल 4 की कर लेते हैं, ये भी लेवल 4 की कर लेते हैं, और ये भी लेवल 4 की कर लेते हैं। ठीक है, ये भी डन। इन्फो में जाएंगे, ट्रांसिट पोटेंशियल करेंगे आखिरी चीज़, और ये हो जाएंगे 100 अवेकनिंग क्रिस्टल्स एंड 200 मेडल जेम फ्रैगमेंट के साथ में, एंड बूम कंप्लीट। ये होती है ट्रांसिट पोटेंशियल, क्लोज करेंगे। चैलेंजेस में देखेंगे तो वही हमारे इमरजेंसी जो इसको अपग्रेड करने के क्रिस्टल्स मिलते हैं वो मिलेंगे, जो हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। डिटेल्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास किस किस की कमी है। इग्नोर डिफेंस 5% कम है, कूल डाउन लगभग ठीक है, क्रिटिकल रेट काफ़ी कम है, क्रिटिकल डैमेज पूरा होने वाला है, डॉज भी 14% कम है, ठीक है। तो अगर हम देखे जाए तो यहाँ पे हम इग्नोर डिफेंस की जगह क्रिटिकल रेट दे सकते हैं, तो इग्नोर डिफेंस कैसे देगा? 5% इग्नोर डिफेंस कम है ना, 5% इग्नोर डिफेंस कहाँ से लाया जाएगा? कहीं ना कहीं से ले आएंगे। टाइप अनाउंसमेंट करते हैं फटाफट से टिकट के द्वारा, है ना। तो ये फर्स्ट रैंक 1 हो गई, अब ये हो गई रैंक 2, और उसके बाद ये रैंक 3, और रैंक 4 की टिकट इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं होती इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे। 5 से ज़्यादा होगी तो कर लेंगे, तो एक ही है, बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। आइसो एनांट, हाँ यहाँ से हमें मिल जाएगा, और इग्नोर डिफेंस, तो इग्नोर डिफेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बस एक साइड मोनोस ट्राई करके आपको बताते हैं, हम ओवरड्राइव और पावर रैंकर के अलावा कुछ यूज़ नहीं करते। हम हॉकाई भी यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास कूल डाउन भी बहुत ज़्यादा है, और हॉकाई से हमें कूल डाउन मिलता है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसका हम करेंगे रिपीट पे, हम नहीं लगाएंगे रिपीट पे, लगा लेंगे रिपीट पे, नहीं लगाते, सिर्फ एक 20 देखेंगे, एक 20 नहीं, दो 20 देख लेते हैं। ठीक है, 3 20 देखते हैं। ठीक है, पहला 20 हो गया, ये दूसरा 20 है, कम ऑन लकी हो जाऊं मैं, भूम ओम भूम भूम शाशुंग, कुछ भी नहीं हो रहा है बेइज्जती हो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, रिपीट पर हटा देंगे, ये आखिरी है, इसके अंदर ओवर टाइम मिल जाएगा, सेम इग्नोर डिफेंस ठीक हो जाएगी, एंड नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं बाद में किसी दिन टिप फ्री टाइम पे कर लूँगा। ओके, हमने इसको ये क्यों दे रखा है, आई डोंट नो। कस्टम गियर देखो, इसके पास क्रिटिकल डैमेज तो अच्छा खासा है, इग्नोर डिफेंस भी हो जाएगा, तो इसको क्रिटिकल रेट वाला ही दो। ठीक है, क्रिटिकल रेट वाला ही दो, उसके पास क्रिटिकल रेट काफ़ी कम है, तो ये तो क्रिटिकल डैमेज है। ऊपर जाएंगे तो क्रिटिकल रेट मिलेगी, नहीं ऊपर जाते तो डोज मिलेगी, तो नहीं चाहिए क्रिटिकल रेट। ठीक है, यहाँ पे 180 प्रोक है, यहाँ 120 प्रोक है, यहाँ 140 प्रोक है, यहाँ 140 प्रोक है, यहाँ पे क्रिटिकल रेट और डॉज के साथ वैसी वाली चीज़ है, जो कि अच्छी बात है, इसको चाहिए भी दोनों चीज़ें। ये देखो 200 प्रोक क्रिटिकल रेट, वाईफाई के साथ तो ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे 200 प्रोक। ठीक है, तो ये देते फिर, हाँ ये देते हैं, है ना, बहुत अच्छा ही है, हो गया फिनिश। इन्फो में जाएंगे, देखेंगे, ओ क्रिटिकल रेट 13% अबाउ चली गई है, बिल्कुल सही का, और इसी के साथ हम इसको करते हैं डॉज। कमान कमान डॉज पे जा, नेटवर्क को क्या हो गया? ओके, डॉज आ गया। ठीक है, इन्फो में जाएंगे और अब हम देखेंगे, यस क्रिटिकल रेट बिल्कुल 0.1 पॉइंटों में कम है, डॉज 61% फिर हो गया, क्रिटिकल डैमेज मेरा आइसोएट से बढ़ जाएगा, इग्नोर डिफेंस हमारा आइसोएट से बढ़ जाएगा, रिड्यूस कूलडाउन भी लगभग बराबर ही है, बाकी हम आर्टिफैक्ट के साथ देख लेंगे क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा रहा, यूनिफॉर्म इसकी है नहीं, तो हमने इसको लगभग अपग्रेड कर दिया है डाल्फा क्लास को। ठीक है, अब आप इंतजार करिए और मैं फटाफट आइसोएट आपको फास्ट फॉरवर्डिंग के अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमने फास्ट फॉरवर्डिंग की जगह आपको यहाँ पे स्किप मार दिया और डायरेक्टली हमने पावर ऑफ एंग्रेल का आपको दिखा दिया है। आप स्किप इसलिए मारा क्योंकि फास्ट फॉरवर्डिंग का कोई मतलब नहीं होता, आप विश्वास नहीं करोगे मैंने कितने रिपीट करे हैं, मतलब मत पूछो कितने रिपीट करे हैं, गोल्ड की पूरी लग गई है। ठीक है, तो अब मैं कैसे भी करके चलो छोड़ो जो भी हो, पर हमें वो मिल गया, ये सिलेक्टर क्या होता है, ओ सिलेक्टर भी आता है। ठीक है, तो हमें पावर ऑफ एंग्रेल मिल गया जो कि अच्छी बात है। अब फटाफट से इसको पावर ऑफ एंग्रेल दे देते हैं, तो सबसे पहले तो ओहो ये फिजिकल अटैक का ये कहाँ से आ गया, चलो ये दे दो 272 का, ना रेड ही देंगे सारे के सारे, मुझे पता है आप लोग सोच रहे, पर अब नए कैरेक्टर्स कमी आते हैं तो फटाफट रेड से उनको वो करें, वरना उनको भी फिर कभी किसी ना किसी दिन अपग्रेड करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना। यहाँ पर रेड की कमी है, यहाँ पर रेड की कमी है, चलो तो अभी एक रेड है उसका, बस हमें कन्वर्ट करना है इसे। यहाँ पे भी रेड की थोड़ी कमी है, नहीं नहीं थोड़ी नहीं, बहुत है यहाँ तो रेड। ठीक है, और क्रिटिकल रेट 409 या 398 इतना कोई मेन करेक्टर नहीं है कि इसको पूरा ही रेड दे दे के एकदम ख़त्म कर देना है। ठीक है, डॉज वाले इसको देनी है, बेसिक डिफेंस वाले दे दो इसे, और बाकी सिंपल वाले दे दो क्योंकि अब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सिंपल वाले कहाँ हैं, HP वाले और वो सब नीचे होंगे, ये रहे एक HP का और एक और होगा HP का, ये रहा। ठीक है, डॉच का देखिए, डॉच का दे, डॉच का दे दे, स्पीड कैरेक्टर भी यही है, डॉच से ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ओके, तो पावर ऑफ एंग्री हल देते ही आप देख सकते हैं मेरी डिटेल्स के अंदर एवरीथिंग इज गुड।
इग्नोर डिफेंस पार कर दिया, क्रिटिकल रेट पार कर दिया, क्रिटिकल डैमेज नहीं किया, ये क्या बात हुई रे? पावर ऑफ एंग्री एल के अंदर क्रिटिकल रेट मिलती, क्रिटिकल डैमेज नहीं मिलता क्या? सेट बोनस बताओ। हाँ यार, क्रिटिकल रेट और इग्नोर डिफेंस मिलती है, ये गलत बात है यार। तो ओवरड्राइव में मिलता है क्रिटिकल रेट और क्रिटिकल डैमेज? अरे यार, जो क्रिटिकल डैमेज चाहिए था वो तो ओवरड्राइव के अंदर है, इसके अंदर क्या मिल गया फिर उसके साथ में हमको क्रिटिकल रेट की जगह? अटैक स्पीड मिलती है। अरे यार, अटैक स्पीड नहीं चाहिए यार, काश हमें ओवरड्राइव मिलता, पर क्योंकि इतना मेन कैरेक्टर नहीं है तो मैं इसको ओवरड्राइव नहीं दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा क्रिटिकल डैमेज कम रहे तो कम रहे, ठीक है? इतना मेन कैरेक्टर नहीं है कि ये मुझे कहीं पे काम आ रहा है, अगर ये काम नहीं आ रहा है तो इसको एकदम परफेक्टली बिल्ड करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहीं पे ये ख़त्म होती है इसकी पूरी बिल्ड, तो यहीं पे ख़त्म होती है अल्फ़ा क्लास का ट्रांसेंड पोटेंशियल, और कहाँ है हमारी स्पीड की, ये रही, हेयर इज़ अवर अल्फ़ा क्लास। तो यहीं पे इसकी बिल्ड वीडियो ख़त्म होती है। आज मैंने आपको पहली बार नहीं, शायद दूसरी या तीसरी बार दिया जिसमें मैंने आपको पूरी वीडियो दी है जिसके अंदर बंदा जीरो स्टार से पूरा ट्रांसेंड पोटेंशियल किया है। ऐसी मैंने कोई टीयर 3 की भी दी है शायद, आई डोंट नो, याद नहीं रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।